बच्चे थे। और यहाँ पर देखिए मशीन वगैरह रखा हुआ काटने के लिए। ये देखिए ऊपर वाला हॉल में लोग आइए तो काफ़ी बड़ा है। दूसरे फ्लोर पे हैं, तीसरा, चौथा, इधर से भी सीढ़ी जा सकते हैं। सीढ़ी बहुत जगह दिया हुआ इधर। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। गाइस मैं अभी अंजुमान इस्लामिया हॉल के पास हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और मैं अभी हूँ PMCH गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो वहीं आपको ये हॉल दिखने वाला है। बहुत ही खूबसूरत, मेरे को तो बहुत इंटीरियर बहुत खूबसूरत लगा, बाहर का एक्सटीरियर। इंटीरियर तो अभी अंदर जाने दे नहीं रहे हैं, कोशिश करूंगा मैं अंदर जाने की। कितना खूबसूरत लग रहा है, शाम के टाइम लोग मैं आया हूँ और वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग हाँ इसको बोल सकते हैं बिहार का ताजमहल, मेरे को तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं, ऊपर भी सबसे टॉप में भी बहुत डिज़ाइन है, उतना तो कैमरा आपको जाएगा नहीं, और ड्रोन व्यू से दिखने वाला है। उसको सबसे ऊपर भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, और यहाँ से आप लोग देखिए, और यहाँ पर अभी जो बनने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टार्ट होगा, झरना स्टार्ट होगा, ये पूरा बना नहीं है, कुछ फाइनल लास्ट में होगा फाइनल। तो यहाँ से पानी निकलेगा फिर तो और खूबसूरत लगने वाला है। का एंट्री व्यू का इस बहुत ही खूबसूरत है। पार्किंग आपको उस साइड है आई थिंक, हाँ दो साइड पार्किंग है, इस साइड और एक उस साइड है, दो साइड पार्किंग है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पार्किंग, इतनी खूबसूरत है। ऊपर खिड़की का जो लोग डिज़ाइन देखिएगा, ये देख रहे खिड़की का डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। जो भी यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है तो इस हॉल का गाइस जो भी डिज़ाइन किया गया बहुत बारीकी से सोच समझ के इसको बनाया गया है। तो अभी का जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं 2018 में ऐसा था नहीं, 2018 में तोड़कर इसको बनाना रिनोवेट स्टार्ट किया गया फिर से बनाना, और उसका लॉकडाउन लगे तो कुछ टाइम लगा, समझिए एक साल के अंदर ये बनकर रेडी हो गया। जब इतना खूबसूरत लग रहा है एक साल के अंदर ही बन गया, क्योंकि 2 साल तो लॉकडाउन लग गया था उसके कारण काम रुक गया था। यहाँ पर इसका पार्किंग एरिया नीचे देखिए अंधेरा है, अंदर नहीं अभी जाने के लाभ बोल रहे, इसलिए मैं आपको जाकर दिखा देता। तो इधर और उस साइड आगे पार्किंग एरिया है, बहुत ही खूबसूरत लोग डिज़ाइन देख रहे कितना, मेरे को तो बहुत ही यूनिक लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बारिश अगर थोड़ा सा हो जाएगा तो धूल लगा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि अभी काम इसका चल रहा है, जब फाइनल हो जाएगा उसका फिर से साफ कर दिया जाएगा। और वैसे भी जब बारिश का मौसम आएगा तो खुद ही चमकने वाला है। जुमन इस्लामी हॉल में होता क्या है, यहाँ पर पार्टी वगैरह किया जाता है, फिर नेता वगैरह का कुछ अगर पार्टी वगैरह वो भी होता है, और शादी मैरिज हॉल का भी है। अंदर एक बहुत बड़ा सा हॉल है, अंदर जाने को नहीं मिला बट मैं आपको जाकर दिखाता, अंदर भी इससे काम चल रहा है। तो बुकिंग वगैरह स्टार्ट होता है अभी तो नहीं, जब ये पूरा बनकर रेडी हो जाए तो बुकिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को देखने से लग रहा है बालकनी टाइप का कुछ, और मुझे वो आइडिया नहीं बालकनी है कि नहीं, तो उसे निकलने का है नहीं, बट बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो भी उनको दिमाग से सोच कर बनाया गया, पहले उसको मॉडल डिज़ाइन किया गया उसके बाद इसको बनाया गया स्ट्रक्चर को। वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन आप लोग देख रहे हैं, और ग्लास वाला दिया जो दिया उससे और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो रेटिंग अगर आप बात करिए तो इसमें 10 को 10 मिलने वाला है। यहाँ से भी देखिए अगर डिज़ाइन कितना बारीकी से यहाँ पर लाइट के लिए लगाया गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इधर का देखिए सामने से क्या खूबसूरत इंटीरियर अंदर जाने के लिए लग रहा है भाई, यहाँ पर रुककर कोई फोटो सेल्फी भी ले सकते हैं। विवाह हॉल देखिए लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ विवाह हॉल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैरिज हॉल के लिए यहाँ पर, तो सबका अलग अलग है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ और होगा, वहाँ पर देख लेते क्या है। खिड़की का जो आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं देखिए कितना यूनिक तरीके से इसको बनाया गया है, और वाइट और ब्लू का जो भी कॉम्बिनेशन हर जगह को मिलने वाला है, चाहे खिड़की का हो या डोर का हो, सबका वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही इससे ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए यहाँ का हम लोग थोड़ा सा अंदर आए तो यहाँ देख रहे गोल सर्किल जाकर जो डिज़ाइन दिया गया है, मतलब सब कुछ एकदम सोच समझ के बने, यहाँ पर नॉर्मल भी दिया जा सकता था बट नहीं, यहाँ भी एक खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। कहीं आप लोग खड़े हो जाइए एकदम सामने बीच में तो फोटो यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोग आने वाला। तो ये भी है गाइस विवाह हॉल, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको विवाह हॉल लिखा हुआ है। तो अभी तो बुकिंग वाली स्टार्ट हुआ नहीं क्योंकि पूरा बना नहीं है, मुख्य द्वार है, चलिए अंदर कोशिश करता हूँ जाने का। मेरे को तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक ऊपर पूरा ग्लास का जो डिज़ाइन दिया गया फिनिशिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। ये देखिए अभी पूरा बना नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, देख लीजिए कितना खूबसूरत है यहाँ पर भी। तो अंधेरा क्योंकि होगा शाम के टाइम लोग आए हैं, ऊपर भी बहुत खूबसूरत देखिए लाइट जो कि लगा हुआ है, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दिया, अब आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अंदर का। इधर से स्टेयर है, सीढ़ी है, इस साइड से भी है, यहाँ पर लिखा हुआ सीढ़ी, देखिए सीढ़ी लिखा हुआ है, इट साइड से भी है, नीचे भी है,
नीचे तो फिर आपको वही पार्किंग एरिया में चले जाइएगा। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ओ माय गॉड, ये 7 या 8 9 तक फ्लोर है, मेरे को बाहर से नहीं पता चल रहा था। तो कुछ फ्लोर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग हॉल में आ गए, कितना खूबसूरत लग रहा है। ओ माय गॉड, इसका बोलने का नहीं, अभी काम चल ही रहा है। तो रेड वाला जो आप लोग देख रहे हो वो फायर सिस्टम है, आग वगैरह लगता है तो बुझाने के लिए पानी से निकलता है, वो भी चलिए लग अभी तैयार हो चुका है, लग चुका है। पर आप लोग देखिएगा लिफ्ट है, ये देखिए लिफ्ट का भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो इतना ऊंचा हॉल है, प्रथम तल मतलब पहला तल्ला में हम लोग हैं। इधर से भी सीढ़ी जा सकते हैं, सीढ़ी बहुत जगह दिया हुआ, इधर से भी है, हर जगह से सीढ़ी जाने का है। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, अभी गाइस फर्स्ट फ्लोर पे थे और ऊपर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक काम है। पूरा ऊपर तो ये देखो अभी काम चल ही रहा है। तो ये सब हॉल है, ये देखिए इधर भी लिफ्ट है, फायर सिस्टम है साइड में, और यहाँ हॉल अभी खाली है, जैसे कि मैंने आपको बोला काम चल रहा है। इधर भी देखिए है सीढ़ी स्टेयर, दोनों साइड है लेफ्ट राइट। ये देखिए ऊपर वाला हॉल में हम लोग आइए तो काफ़ी बड़ा है, देख लीजिए कितना खूबसूरत है, डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत है भाई, स्पेस बहुत है। अब ज़्यादा ऊपर जाऊँगा ना, मैं काउंट कर लेता हूँ या फिर आपको ले चलते हैं अगर हो सके तो। दूसरे फ्लोर पर हैं, तीसरा, चौथा, पचवा, छठा, सातवा, 7 फ्लोर है इसमें टोटल, 6 जोड़ के 8 हो जाएगा, तो टोटल 7 फ्लोर है। चलिए और ऊपर चलते हैं। नीचे मैंने आपको नीचे का तो दिखाया नहीं, यहाँ भी टाइल्स लगा हुआ है, बहुत ही शाइनिंग टाइल्स है, देख रहे हैं, लगता है स्केट हो जाएगा भाई। ये देखिए ओ माय गॉड, ये बहुत खूबसूरत लगा। ताजमहल के ऊपर जो होता है वो बोला, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बाहर रोड पर एकदम आगे आप लोग जाइएगा तभी आपको दिखने वाला है, ऐसा नहीं दिखेगा, नीचे से डायरेक्ट आप लोग देखिएगा तो नहीं दिखेगा। अभी हम लोग 3rd फ्लोर पर हैं, सब जगह काम चल रहा है, इधर से भी स्टेयर है, ये तो हॉल एंट्रेंस है। थोड़ा सा आगे चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका, यहाँ पर भी तो खुला हुआ है ये गेट, ये देख लीजिए वो, देखिए अभी हम लोग नीचे थे, नीचे मैं वहाँ पर था और अभी आ गया यहाँ पर, देख लिए व्यू जो आपको दिखने वाला कभी नहीं। इसके ऊपर भी है भाई, यहाँ से आपको थोड़ा डिजाइन दिखाता हूँ आगे जाके, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। धूल जाए तो साफ़ हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद साफ़ कर दिया, बारिश में धूल ही जाएगा। देख लीजिए ऊपर तक है भाई, डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ। और यहाँ से नीचे का व्यू आप लोग देख लीजिए, रोड का व्यू भी आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा अंजुमन इस्लामिया हॉल। जैसे कि आप लोगों को नीचे से टॉप से आप लोगों को ऐसे पूरा दिखेगा नहीं भाई, और एकदम दूर रोड पर जाइएगा तब ये दिखने वाला है। तो मेरे को तो गाइस बहुत ही खूबसूरत लगा ये अंजुमन इस्लामिया हॉल, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, हल्का फुल्का बाकी है, ऐसे देखने से लग रहा पूरा हो ही गया, बहुत ही यूनिक इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत खूबसूरत लगा। चलिए और ऊपर से चलते हैं, जब इतना ऊपर आ ही गया तो अलाउ तो नहीं मिला था, बट बहुत कोशिश करने के बाद बात करने के बाद जाने के लिए मिला। लिफ्ट वगैरह भी स्टार्ट हुआ नहीं है तो आपको सीढ़ी पर से चल के ही जाना पड़ेगा मेरे को भी। आई थिंक 4th या 5th फ्लोर पे आइएगा तो इधर देखिएगा, यहाँ पर बड़ा सा हॉल नहीं है, यहाँ पर रूम टाइप का कुछ अलग से बना हुआ है, इधर एक अलग सा रूम है और एक इधर अलग सा हॉल है, रूम नहीं हॉल ही समझ लीजिए। इसको बांट दिया गया है, नीचे वाला में पूरा जुटा हुआ था, ऊपर वाला में बांट दिया गया है, तो लाइट वगैरह तो अभी इधर नहीं लगा है। ओ इधर भी काम चल रहा है, मशीन वगैरह है, ये देखिए इधर काम चल रहा है, अभी कटिंग वोटिंग किया जा रहा है। तो अभी आप लोग देख रहे काम चल ही रहा है, अभी ऊपर आ गए, अभी टॉप पे पहुँचे भी नहीं है, इसके ऊपर भी एक टॉप है, अभी दोनों साइड आप लोग देख रहे काम चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, फिर से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मशीन वगैरह रखा हुआ काटने के लिए, तो अभी कुछ काम बाकी है, 1-2 महीने के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका उद्घाटन होगा। क्या होगा सबसे टॉप फ्लोर पे, देखिए नीचे देखने में डर लग रहा है, ओ माय गॉड। अभी हम लोग सबसे टॉप फ्लोर पे हैं, यहाँ पर टंकी लगा हुआ है, पानी वगैरह की व्यवस्था है, छत पे जाने का मेरे को कोई रास्ता पता नहीं, हालत ख़राब हो गया भाई। यहाँ पर देखिए सामान रखा हुआ, मशीन वगैरह, आई थिंक ये बिजली वाला जगह है कंट्रोल करने के लिए, सबसे टॉप पर आ गए, चलिए नीचे चलते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ पूरे टॉप पर, ये देखिए इसका टॉप पर आ गया है, और अभी बस 1-2 महीने में इसका उद्घाटन होने वाला है। सबसे टॉप में तो
टंकी वगैरह ये सब का काम है जी। ये देख लिया यहाँ से व्यू कितना अच्छा मिल रहा है, ओह माय गॉड, सामने गंगा जी है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ये हम लोग टॉप फ्लोर पे, देखिए इसके ऊपर नहीं है। और इधर भी काम अभी चल रहा है, ये मुझे पता नहीं हम लोग कहाँ यार, इधर पीएमसी का कुछ काम चल रहा है। और यहाँ से देखिए शहर का व्यू, ओह माय गॉड क्या ये व्यू आपको शायद कभी नहीं मिलने वाला है। टॉप में गाइस झुक कर जाना पड़ता है, ऊपर सर सटने लगता है तो झुक कर निकलना पड़ेगा। चलिए तो मैं फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, शादी वगैरह है तो बुकिंग किया जाता है, और मंत्री वगैरह हैं तो पार्टी वगैरह है तो उसके लिए बुकिंग होता है। तो अभी एक दो महीने के बाद इसका इनोग्रेशन होने वाला है, उद्घाटन हो जाएगा एक दो महीने के अंदर समझ लीजिए। बस फिनिशिंग अभी चल रहा है, बाकी तो इसे पूरा कंप्लीट ही है। आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया था बिना लिफ्ट का, भाई अप डाउन करना तो हालत समझिए ख़राब होने वाला है। तो बिना लिफ्ट का तो होगा नहीं, इसे मेरे को लगा लिफ्ट क्यों दिया गया शुरू में, एक दो फ्लोर होगा, बट एक दो फ्लोर नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर तक टॉप तक है, 8-9 फ्लोर है टोटल। और अब मैं यहाँ से फाइनली निकल रहा हूँ, पहले तो नीचे जाते हैं। तो फाइनली गाइस मैं बाहर आ गया हूँ, और मैंने आपको दिखा दिया अंदर का व्यू। तो चलिए फिर यहाँ को व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब ये उद्घाटन इसका हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा फिर से यहाँ पर एक अच्छा सा व्लॉग बनाने का। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो अगर ये व्लॉग को अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।